बुधवार को मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी ने आगरा विकास प्राधिकरण के कार्यों की समीक्षा बैठक में सबसे पहले प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आवंटित और रिक्त भूखंड, आवासीय और व्यवसायिक भवनों की समीक्षा की। बैठक में एडी उपाध्यक्ष चर्चित गौर द्वारा बताया गया कि भूखंड और आवासीय भवनों के आवंटन के लिए 38-38 विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें 177 भूखंड और 1585 आवासीय भवन अभी रिक्त हैं, जबकि 9 विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कई व्यावसायिक संपत्ति रिक्त हैं। आगरा विकास प्राधिकरण की संपत्तियों के निस्तारण, लैंड बैंक और बकायेदारों से वसूली के आंकड़े सुन मंडल आयुक्त ने नाराजगी जताते हुए संयुक्त सचिव के खिलाफ कार्यवाही करने तक की चेतावनी दे दी। एडीए द्वारा पथकर निधि से कराए जाने वाले विकास कार्यों की समीक्षा में मंडल आयुक्त ने कहा कि अधिकतर प्रोजेक्ट अब तक धरातल पर नहीं आए हैं। मॉडल रोड और जोनल पार्क विकसित करने की दिशा में भी अब तक कुछ नहीं किया गया है। साथ ही एडीए को निर्देश दिए गए कि कंसल्टेंट कंपनी से जल्द कॉन्ट्रैक्ट फाइनल कर हॉट एयर बलून को संचालित किया जाए। डीजी महाराजा न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।